पढ़ ली है तो जरा आगे आ गया
रुको, वहां से कोई साहब वहां कुरान पाक पढ़े हैं, एक एक इनको देते जाएं तो ये आगे लेते आएंगे। आयशा चार हैं, फिर लड़कों को, अच्छा जवेरिया, अलीशा, الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم माइक लगा लेते हैं सब आगे पूरा हो जाए तो यूज करूंगा क्या कह रहे हो आप वो पीछे नीचे जाकर पता करें मुझे तो स्टाइल नहीं नीचे जाके उनसे पूछ लें नहीं वो कह रहे पानी पीछे बंद हो गया वो पीछे नीचे कोई आदमी जा بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
الرقيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم أنس بحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين وبارك الله فيك. मैं बगैर किसी तंकीद के मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हजरात का और शुक्रिया अदा करता हूँ अपना इकरा फाउंडेशन की तरफ से हमारे मकामी हजरात की तरफ से आप तमाम हजरात का और खासकर जो हजरात हमारे बड़े हैं वो तशरीफ लाए हैं अभी इंफरादी तौर पर मैं सबका नाम बोलूँगी या तारुफ कराऊँ वक्त नहीं और कोई जो कमी पेशी हो उसको दरगुजर करें और हम सबके शुक्रिया को कबूल करें और खासकर बिलखसूस मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हर कारी साहब का हर मुफ्ती साहब का ये हजरात तशरीफ लाए और हमारे बच्चों के अधूरे सबक को पूरा किया तो मेरे ख्याल में ये मेरे लिए भी सआदत की बात है बच्चों के लिए भी और उनके वालिदैन के लिए है या नहीं वैसे गर्मी भी है जगह भी कम है इसलिए माजरत है अब क्या करें महाराज यही सब सिलसिला है दुआ करें मुझसे कुछ हजरात ने खास दरख्वास्त की थी लेकिन अब उसका वक्त नहीं है यानी बच्चों को जो थोड़ा बहुत हमने अपनी मिसाल पर टूटा फूटा पढ़ाया है तो कुछ खास चीज़ें हैं जो मैं इनको याद कराया करता हूँ तो कई दो हजरात ने मुझसे दरख्वास्त की कि आप सुना मैं अब सबसे तो नहीं सुना सकता लेकिन चले एक से सुना देता हूँ तो फिर क्या स्कूल जबरिस्तान आप लोग कर लीजिएगा एक से सुना दूँ जो सबसे छोटा हो या छोटी उमेर गांव आज सबसे शरारती भी है और लाइट भी है बाहर और सबसे छोटा भी है छोटा एक आदमी से और भी होंगे यहाँ आप मेरे पास आओ यहाँ खड़े हो जाओ सलाम करो बिस्मिल्लाह पढ़ो अच्छा हाँ मैं आपसे पूछता हूँ कलमे का तर्जुमा सुनाओ ला इलाहा कोई भी मामूल है पर इल्ला अल्लाह
ठीक है। अच्छा अब कल मैं क्या फर्श सुना ठीक है। अच्छा आखिरी चीज पूछता हूँ, अकीदे की तारीफ सुनाओ। बाकी इसी पे क्या कर लो। अब बस बाकी बच्चियों का भी ऐसी तरफ बात की बारा यही समझ हम अपनी छोटी मोटी मिसाल लगी और बाकी सब कल में वगैरह वो सब तो आमतौर पर बच्चों को याद होते ही उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डर के जोड़ कह सकता हूँ कि किसी पर कोई भी हाथ रख के उससे पूछ सकता है। ये चीज़ें अलबत्ता कहीं कहीं इख्तियार करेंगे इख्तियार कर लेती हैं। तो अकीदे की तारीफ, कलमे के फ़राइज़, कलमे का तर्जुमा, ईमान की तारीफ, कुफर की तारीफ जो हमारी बुनियादें हैं। तो इसलिए बहरहाल दुआ करें अल्लाह ताला ये छोटी छोटी काविशें हैं कबूल फरमाएँ। और मैं कारी साहब से और हज़रत मुफ्ती साहब से खास कर दरख्वास्त करूँगा कि अपनी दुआओं में हमारे मदरसे को और हमारे मदरसे के बच्चों को हमें सबको याद रखें। और खासकर जो हमारे मकामी हजरात हैं मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हर मरहले पर जहाँ भी जरूरत पड़ती है वो हमारा तआवुन करते हैं, हर इंसान अपने मिसाल। तो बहरहाल दुआ करें अल्लाह ताला तमाम हजरात की कावशों को कबूल फरमाए और जिनके बच्चों ने कलाम पाक खत्म किया है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कलाम पाक पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप बगैर और किसी सिलसिले के हजरत गाही साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हजरत मेंबर पर तशरीफ लाएं और हमें चंद बातें नहीं वो कह रहे हैं आपको गर्मी लग रही है कोई गर्मी नहीं थी आज बोलना हसन भाई माइक मैं आप हजार से दरख्वास्त करूंगा कि आराम से गर्मी को है इसमें तो कोई शक नहीं लेकिन इंशाल्लाह हजरत الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جن بچوں کا آج ختم قرآن ہوا ان بچوں کو بچوں کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے ہزاروں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ اس خزانے کو اس دولت کو ان بچوں کو بچوں کے ماں باپ کو آئندہ کی زندگی میں مستقل سنبھال کر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے حضرت مفتی صاحب کی موجودگی میں میرے جیسے طالب علم کا بیٹھ کر کچھ باتیں عرض کرنا یقیناً بے ادبی ہے لیکن چونکہ موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے اور جناب مولانا الیاس صاحب کا پرزور اصرار تھا بھی اور ہے بھی ایک موضوع انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا لیکن چونکہ وقت نہیں ہے وہ موضوع بڑا وقت چاہتا ہے اور وہ بڑی توجہ چاہتا ہے میں اس طرف تو نہیں جانا چاہوں گا البتہ ایک سیدھا سادھا جو میری بات آپ کو سمجھا سکے اور میں آپ کو سمجھا سکوں دعا کریں کہ اللہ اپنی رضا کے لیے کچھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق بخشے کسی انہونی چیز کا نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جانا اس کو معجزہ کہتے ہیں میرے اور آپ کی زبان میں معجزے کا معنی یہ کہ جس چیز کو ظاہر کرنے سے دنیا عاجز ہو اور وہ چیز نبی اور رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں کسی ولی کے ہاتھ پر کسی عالم کسی بزرگ کے ہاتھ پر کسی انہونی چیز کا ظاہر ہو جانا جو دوسرے لوگ پیش نہ کر سکیں اسے معجزہ تو نہیں کہا جاتا اس کو کرامت کہا جاتا لیکن ان دونوں میں ایک بات مشترک ہے وہ یہ کہ معجزہ بھی اس کی طرف سے ہوتا ہے اور کرامت بھی زور سے بولو اسی کی طرف سے ہوتا ہے معجزے میں نبی کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا کرامت میں ولی کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا نبی کبھی معجزہ مانگتا ہے کبھی اسے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ولی بھی کبھی کرامت اللہ سے مانگتا نہیں اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتے ہیں ہاں کبھی کبھی معاشرے سے تنگ آیا ہوا ولی بھی اگر اللہ سے معجزہ مانگ لے تو اللہ دے دے کرامت مانگ لے تو اللہ دے دیتے معجزے پر ایمان رکھنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے اور کرامت پر بھی مسلمان کا ایمان رکھنا ضروری ہے معجزے کا انکار کر دیں تو بھی ہم ایمان سے چلے جاتے ہیں کرامت کا انکار کر دیں تو بھی ایمان سے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ دونوں کے اندر میرے اللہ کی طاقت ہوتی ہے ان کا انکار کر دینا گویا کہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کا انکار کر دینا علماء نے لکھا ہے
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने 3,500 के करीब मोजज़ात दिए। किसी नबी को एक मोजज़ा मिला, किसी को दो मिले, किसी को तीन मिले, किसी को मिले भी नहीं। मुस्तकिल किताबें इस पे तहरीर की गईं जिनमें लिखा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कम से कम 3,500 मोजज़ात अता फरमा। मैं इससे भी आगे बात करता हूं, उलमा की मौजूदगी में इंशाअल्लाह बात मेरी गलत नहीं होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को किसी तादाद में किसी हद में कैद नहीं किया जा सकता, बल्कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ही मोजज़ा थी। वो जिंदगी नबुवत से पहले की हो तो भी मोजज़ा है, नबुवत के बाद की हो तो भी मोजज़ा है, मदीने की हो तो भी मोजज़ा। और मैं अगली बात भी कहूं तो गलत नहीं होऊंगा कि आज रोज़ा पाक के अंदर हैं तो भी वो जिंदगी भी मोजज़ा, और जब कयामत का दिन आएगा तो उस दिन भी मोजज़ात होंगे, और जिस दिन उम्मत गुनाहगार को पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे तो भी मोजज़ात होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत से पहले की जिंदगी 40 साल की है, कितनी है जोर से कहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे ताज नबुवत और ताज रिसालत रखा गया, खैरियत तो है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे ताज नबुवत और ताज रिसालत रखा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? ओ यारो जोर से बोलो, इतना जानना तो हर मुसलमान पर जरूरी है। घर बैठते हो दावा करते हो जितने मसले ऐसी जानने हैं, मौलवी भी नहीं जानने है। मौलवी सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत से पहले की जिंदगी कितनी है? जब अल्लाह ने ताजे नबुवत आपके सर पे रखा, ताजे रिसालत सर पे रखा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के मक्के वालों के सामने पहले कलमा नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों के सामने पहले कुरान नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों के सामने पहले अल्लाह का नाम नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों के सामने पहले तौहीद नहीं रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों के सामने नमाज रोजा हज ज़कात नहीं रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी रखी। आज मैं अपनी जिंदगी लोगों के सामने नहीं रख सकता। अगर नाराज ना हो तो मुफ्ती साहब भी अपनी जिंदगी लोगों के सामने नहीं रख सकते। आपका बड़े से बड़ा पीरो मुर्शिद भी अपनी जिंदगी आपके सामने नहीं रख सकता। हर कोई यूं कहेगा कि भाई जो मैं कहता हूं वो करना है, जो मैं करता हूं वो नहीं करना, ये मेरी जिंदगी है। और मैं लोगों से कहा करता हूं जो मैं करता हूं वो नहीं करना, जो मैं कहता हूं वो करना, इसलिए कि कहने में मैं जिम्मेदारी से बात करता हूं, करने में मैं भी कमजोर हूं। और मुफ्ती साहब भी कहेंगे कि कहने में मैं जिम्मेदार हूं लेकिन करने में मैं भी कमजोर हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मक्के वालों के सामने अपनी जिंदगी पेश की। कोहे सफा पे अहले मक्का को बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देने से पहले जो बात कही, फरमाया मक्के वालों 40 साल की जिंदगी मैंने तुम्हारे अंदर रह के गुजारी है, बचपन भी गुजारा है, लड़कपन भी गुजारा है, जवानी भी गुजारी है, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कैसा पाया। इन्हीं अल्फाज पर सारे मोजज़ात को इंसान कुर्बान कर सके। तुमने मुझे रात को भी देखा है, दिन को भी देखा, तन्हा भी देखा है, मजलिस में भी देखा है, तिजारत करते भी देखा है, कारोबार करते भी देखा है, शादियां करते भी देखा है, बच्चों को पालते भी देखा है, मेरी जवानी को भी देखा है,
मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कैसा। बल्कि हजरत मुफ्ती साहब की मौजूदगी में बात कहूं तो इंशाल्लाह तस्दीक हो जाएगी कि 1,24,000 या 40,000 किसी नबी ने अपनी उम्मत के सामने इस तरह दावे से अपनी जिंदगी को पेश नहीं किया जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावे से अपनी जिंदगी को पेश किया। मैं अगले दिन छोटे छोटे बच्चों को एक बात समझा रहा था तो बच्चे भी जिस तरीके से समझते हैं, अपने मदरसे में बच्चों को बिठाकर कहा कि आओ मैं तुम्हें आज ऐसे इंसान की जिंदगी सुनाता हूं जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। आओ मैं आज आपको ऐसे आदमी की कहानी सुनाता हूं जिसने पूरी जिंदगी में किसी से धोखा नहीं किया। आज मैं आपको ऐसे इंसान की जिंदगी सुनाता हूं जिसने पूरी जिंदगी कभी किसी को गाली नहीं। बल्कि जिसने गालियां दी उनको भी दुआ दे दी, जिसने पत्थर मारे उनको भी दुआ दे दी, जिसने रास्ते में कांटे बिछाए उनको भी दुआ दे दी। बल्कि मुअर्रखीन ने लिखा है, सब कहो सुबहान अल्लाह, एक बुढ़िया औरत मदीने के बाजार में गई, दुकान पे शॉपिंग करती है, सामान ज्यादा हो गया उठा सकती नहीं, मदीने की गली में मजदूर ढूंढ रही है और उस बुढ़िया का गांव मदीने से 3 मील के फासले पर। दोपहर का वक्त, मदीने की गर्मी का मौसम, बुढ़िया नजरें इधर भी दौड़ाती है इधर भी दौड़ाती है कोई मजदूर मिल जाए, मजदूर नहीं मिला। अचानक बुढ़िया की नजरों के सामने आमना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह जोर से कहते, आओ बखीली नहीं करनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत वालों, तुम्हारे यहां कंजूस बखील वो होगा जो मांगने वाले को खैरात ना दे। मेरे दिल से पूछो तो मैं कहता हूं बखील वो है जो मेरा नाम सुनकर मुझ पर दुरूद न पड़े। जोर से, इसलिए कि कल फतवे नहीं लगाते फिर ना, कारी साहब आए थे वहां भी हैं दुरूद नहीं पढ़ते। मेरे आका तशरीफ लाए, कहो सुबहान अल्लाह। बुढ़िया को परेशान देखा, कहा अम्मा क्यों परेशान है? अर्ज करती है, बेटा मैं तुझे जानती नहीं, मुझे मजदूर की जरूरत है। कहा अम्मा मैं मजदूर हूं। बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरा सामान उठाओ, मेरे आका कंधों पे उठाते हैं। मदीने से बाहर, अम्मा तेरा गांव कौन सा? कहा बेटा फलाना, धूम में नबुवत चल रही है, कहो सुबहान अल्लाह। बुढ़िया चल रही है, कहो सुबहान अल्लाह। रास्ते में जाते जाते बुढ़िया कहती है, बेटा लगता है किसी अच्छे खानदान का है, लगता है तेरा माँ बाप बड़ा अच्छा है, तेरे बोल बड़े अच्छे हैं, तेरी चाल बड़ी अच्छी है, तेरी ढाल बड़ी अच्छी है, तेरी जुल्फें बड़ी अच्छी हैं, तेरा मत्था बड़ा अच्छा है, तेरा नाक बड़ा अच्छा है, तेरा चेहरा बड़ा अच्छा है। उधर से आवाज आती है, बुढ़िया तेरे कहने की जरूरत नहीं, मैंने इससे अच्छा बनाया भी कोई नहीं। अम्मा कहती है, बेटा चलते चलते नसीहत करूं? मेरे आका कान खड़ा करके कहते हैं, अम्मा कहो। बुढ़िया कहती है, बेटा सुना है मदीने में एक जवान आया है जिसका नाम मोहम्मद है। जोर से जरा,
उसके नजदीक ना जाना, उसकी बातें ना सुनना। अम्मा वो क्यों कहने लगी, वो कहता है सबको छोड़ो एक से रिश्ता जोड़ो। वो कहता है कोई और कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ करने वाला एक है। हमारे बाप दादा ये सब कुछ करते रहे, भला बाप दादे की छोड़कर एक की बात को कैसे माने। बेटा मेरी बात सुन रहा है ना? आका फरमाते अम्मा मैं सुन रहा हूं। जब बुढ़िया का घर करीब आया, बुढ़िया घर गई, मेरे आका ने सामान रखा, इरशाद फरमाया अम्मा मैं जाऊं। बुढ़िया बेटी को आवाज दे के कहती है, बेटा ठंडा पानी ले आओ, ये मेरा सामान उठा के आया है, ठंडा पानी पिलाओ। मेरे आका ने पानी पिया, वो मजदूरी देने लगी, मेरे आका ने मजदूरी लेने से इनकार किया। जब चलने लगे हांगकांग वालों, बुढ़िया कहती है बेटा सदके जाऊं, जाते जाते नाम तो बताता जा। कह दो सुभान अल्लाह। जाते जाते नाम तो बताता जा, तेरा नाम क्या है। यही बुढ़िया सारे रास्ते गालियां देती आई, रोकती आई, परेशान करती आई। लेकिन जब पूछा तेरा नाम क्या, मेरा आका ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या गुजरा होगा बुढ़िया के वजूद पर, बुढ़िया की जान पर, बुढ़िया के जिस्म पर। लेकिन जैसे ही नाम सुना, मेरे आका ने जाने को रुख फेरा, बुढ़िया ने दामन दोनों हाथों से पकड़ा, कहा फिर जाता जाता अपना दर्स और सबक सुनाता जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मक्के वालों, 40 साल की जिंदगी मैंने तुम्हारे अंदर रहकर गुजारी है, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। अबू लहब भी बोला, अतबाऊ तैबा भी बोला, शैबा भी बोला, अबू जहल भी बोला, तेरे जैसा नौजवान सच कहने वाला, सच बोलने वाला आज तक हमने देखा नहीं। अब फिर मेरे आका ने दूसरी बात कही, ये भी अपनी जिंदगी पेश कर। अगर मैं यूं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है जो अभी मक्के पे हमला करने वाला है, तुम मेरी बात सुनकर यकीन करोगे कि नहीं करोगे? अबू जहल बोला, अबू लहब बोला, ए मोहम्मद, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी आंख देख ले तो भी धोखा हो सकता है, लेकिन तेरी जुबान से जो निकले वो कभी गलत नहीं हो सकता। हम तेरे कहने से यकीन करते हैं दुश्मन होगा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह अपनी जिंदगी पेश करके बात पक्की कराई, अब कहा कुलू ला इलाहा, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कहता हूं 3,500 नहीं बल्कि मेरे पाक नबी की तो 63 साल की पूरी जिंदगी ही मौजदा। जो कुछ यहां से निकला वो भी मौजदा है। मेरी तरफ देखते हैं ना, जो कुछ यहां से निकला, कभी पानी निकला, कभी कभी खाने में बरकत चली गई, कभी यूं किया वो चमकने वाला आसमान पे खेलने लग गया। कहो सुभान अल्लाह।
इधर इशारा किया तो यूं चल दिया, इधर इशारा किया तो यूं चल दिया। यहां से जो कुछ निकला, जोर से बोलो, वो भी इसलिए कि जुबान नबी की होती है, बात करने वाला तो खुदा होता है। हमारा तो ईमान है भाई, हाथ नबी का होता है, सारी हरकत ताकत अंदर खुदा की होती है, जुबान नबी की होती है, बोलने वाला ये मैं नहीं कहता, ये तो कुरान कहता। इन्नल लजीन युबायउनक इन्नमा युबायउन अल्लाह। ए मेरा सोहना नबी, ये तेरी बैत नहीं कर रहे, ये तो अल्लाह की बैत कर रहे हैं। है कोई हो जा हाथ दुनिया में कि जिस हाथ को अल्लाह कहे ये मेरा हाथ। फिर मैं अगर तफसील में चला जाऊं तो वक्त बड़ा, हाथ में उंगलियां भी हैं, लकीरें भी हैं, लेने भी हैं, हथेली भी है, सब कुछ है। ये पूरे का पूरा अल्लाह कहते मेरे नबी वेखण विच तेरी बैत है, असल में तो मेरी बैत है। फिर साथ ही कह दिया यदुल्लाह फौक अईदीहिम, ये तेरा और इनका हाथ सिर्फ नहीं, इनके ऊपर मेरा भी हाथ, मेरा भी हाथ। और कहीं फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दो मौके मिलते हैं जो मुफस्सरीन ने लिखे, वमा रमैता इज़ रमैता। हिजरत वाली रात घर से निकलने लगे, बाहर 70 नौजवान तलवारें लेके खड़ा है कि आज हमने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज बिल्ला कत्ल कर देना। आप निकलने का इरादा करते हैं, फिर आते हैं, निकलने का इरादा करते हैं, अल्लाह बाहर तो नंगी तलवारें हैं, कहा मेरा नबी। वमारा मईता इजरा मईता, एक मुट्ठी मट्टी की घर से ले लो, हथेली में डालो, मेरा नाम लो। लोग कहेंगे हथेली आपकी है, मैं कहता हूं मेरी है। वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन अल्लाह रमा, अल्लाह फेंक रहा था। और एक बात दूसरी है मैं कह देता हूं, नाराज नहीं होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वाए हुनैन के लिए तशरीफ ले गए, आप खच्चर पे सवार थे। किस पे? तुसी कदे खच्चर ते सवार होए हो? आजकल किसी बंदे से गधे पे सवार हो जाओ तो कहता है ऐब है, अच्छा लगूंगा। खच्चर पे सवार हो जाओ, अच्छा लगूंगा। भाई सवार कराना है तो मर्सिडीज पे कराओ, समझ आए। बहुत ही ज्यादा शौक है तो कोई फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास का टिकट ले दो 380 में, हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। ये गधे और खच्चर भी कुछ सवारी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी की है, बल्कि मुफ्ती साहब बैठे हैं, हदीस में सुना देता हूं। आता है कि एक गधा हुजूर, एक खच्चर हुजूर के पास आया, पता नहीं कहां से भागता हुआ आके दरबारे रिसालत के दरवाजे पे खड़ा हो जाता और दरवाजे को टकरे मारता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिलाल देखो बाहर कौन है। हजरत बिलाल बाहर निकले तो खच्चर खड़ा है। हजरत बिलाल कहते हैं अरसुल्ला बंदा तो कोई नहीं, खच्चर खड़ा है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर तशरीफ ले आए। खच्चर की जान पे हाथ नबुवत वाला रखा, कहा को बात करना चाहते हो? ओ मेरा नबी वो है जो जानवरों की जुबान भी जानता था, कहो सुभान अल्लाह। ये ऐसे ही आप लोग हमें कहते हैं नबी के इल्म को नहीं मानते। ओ भाई मेरा पाक नबी तो खच्चर की जुबान भी जानते थे। वो अपनी जुबान में कहता है जो हदीस में अल्फाज है, या रसूल अल्लाह। मालूम होता है ये मेरा पाक नबी सिर्फ इंसानों का नबी नहीं है, खच्चरों का भी नबी था। ओ कह दो सुभान अल्लाह।
ये सिर्फ तुम्हारे नबी नहीं थे, ये चाइनीज के भी नबी थे, इनका भी ख्याल रखा करो। अपनी जुबान में कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूं कि जिस खानदान के बड़े खचरों पर अल्लाह के बड़े नबियों ने सवारी की। मेरा कोई दादा परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी बना, मैं मुल्क शाम में था, मेरे कानों में आवाज आई को अल्लाह के रसूल मदीने में आए। मैं शाम से भागता हुआ सैकड़ों मील का सफर करके आपकी जियारत करने भी आया हूँ और आपसे दरख्वास्त करने आया हूँ, मुझे अपनी खिदमत के लिए रख लो, मेरे से अच्छी आपको सवारी कोई नहीं मिलेगी और आपसे अच्छा मुझे सवार कोई नहीं मिलेगा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, उस खच्चर का नाम रखा, कहा बिलाल आज के बाद मदीने की गलियों में इसको याफूर कहना। हदीस में आता है हजरत बिलाल कभी हुजूर की खिदमत में मौजूद ना होते, अल्लाह के पाक नबी को किसी को बुलाना पड़ जाता, उस याफूर खच्चर को कहते जा मेरे फलाने सहाबी को बुला के ले आ। अल्लाह की कसम है वो हमसे भी ज्यादा नबी का मकाम जानता था, हमारे पीरों से भी ज्यादा नबी का मकाम जानता था, इंसानों से भी ज्यादा नबी का मकाम जानता था। हुजूर के कहने की देर होती थी, रफ्तार से भागता हुआ उस सहाबी के घर के दरवाजे पे जाकर दो तीन जोर से टकरे मारता था। सहाबी समझ जाते थे याफूर आया है और दरबारे रिसालत में बुलाया गया है, बस उसके आने की देर थी। सहाबी तैयार होकर दरबारे रिसालत में पहुंच जाते थे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वल खैला वल बिगाला, गधे और खच्चर और घोड़े, ले तरकबूहा, इनको हमने तुम्हारी सवारी के लिए बनाया है, वजीना और जेबो जीनत के लिए बनाया है, वह यखलुकु मा ला तालमून, एक वक्त आएगा तुम्हारी सवारी के ऐसे जरिए बनाएंगे जिनको तुम अभी नहीं जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गजवा हुनैन के लिए मक्के से निकले, 10,000 सहाबा थे, कितने 10,000। मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह तौबा 10वां सिपारा, लकद नसरकुमुल्लाहु, थके तो नहीं? भाई भूख लगी ने? बस आज हमारे चेयरमैन साहब ने ऑर्डर कर दिया, पर ठीक है भाई। सुभान अल्लाह, लकद नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज आजबतकुम कसरतुकुम। 10,000 लश्कर मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पे सवार हैं, 10,000 का लश्कर मेरे पाक नबी के साथ है। रास्ते में सहाबा सोचते हैं आज तो हम 10,000 हैं, 313 थे, इतने थे तो हमने ये कर दिया था वो कर दिया था, आज 10,000 है, आज तो गाजर मूली की तरह काफरों को टूट फूट के रख देंगे, तोड़ फोड़ के रख देंगे। अल्लाह को बात पसंद नहीं है। कहा कि मोमिन हमेशा उसकी तरफ देखता है, ना कसरत को देखता है, ना हथियार को देखता है, ना बम को देखता है, मोमिन तो उसकी तरफ तवज्जो रखता है। गजवाए हुनैन में बनू सकीफ से वो जो मारका था, ये सारे ताइफ वाले लोग थे,
वो तीर अंदाज पूरे अरब में सबसे ज्यादा माहिर थे। उन्होंने पहाड़ों में तीर अंदाज खड़े कर दिए। ये 10,000 का लश्कर जा रहा है, जैसे ही मैदान में पहुंचा चारों तरफ से तीरों की बारिश हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की मुहार बता दूं, हजरत अबू सुफियान के हाथ में, जिनको आज तक उम्मत काफिर कहती फिर रही। भाई वो यजीद के अब्बा थे तो उनका क्या कसूर है? हजरत नूह अलैहि सलाम का बेटा जो काफिर था तो ईमान से को क्या हम हजरत नूह अलैहि सलाम को गालियां देना शुरू कर दें? इब्राहिम अलैहि सलाम का अब्बा जो काफिर था तो क्या इब्राहिम अलैहि सलाम को गालियां देना शुरू कर दें? कसूर सिर्फ इतना है कि वो हजरत मुआविया का अब्बा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की मुहार हजरत अमीर मुआविया के हाथ। मुझे एक दिन एक आदमी कहता है, कारी साहब आपने इतना साल हो गए मसले करते करते, आपने कभी नाइयों के बारे में कोई मसला नहीं किया कि नाई कौन होते हैं? हमारे लोग भी तमाशे लगाते हैं हमारे साथ, इसलिए कि हमें पता होता है तकरीर सुनने कौन आता है, मजे लेने कौन आता है तकरीर सुनने। कहते जी आपने 25-26 साल हो गए हांगकांग में, आपने कभी कोई नाइयों के बारे में बात नहीं की। मैंने कहा भी तुम चाहते क्या हो? कहा कि जी मैं नाई हूं, को साढ़े बारे भी जुमे वाले दिन दसो ना जी, कोई नाइया का भी वड्डा गुजरिया? हाय हजरत अमीर मुआविया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाई थे, आपकी हजामत किया करते थे। तेरे मोहल्ले का नाई तुझे बड़ा प्यारा है, जो नबी के बाल काटता रहा तू उसको काफर कहता, फिर क्यामत के दिन तुझसे कोई नहीं पूछेगा? अक्सर मौकों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे उस तरह फेरने वाले हजरत मेरे मुआविया होते थे। कह दो सुभान अल्लाह, तौबा करना, आज के बाद हजरत अमीर मुआविया को कुछ ना कह। ये मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, पता नहीं। अच्छा, कोई मुसलमान है मुझे बता सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी थी, उनका नाम क्या था, जो हजरत अमीर मुआविया की बहन थी? النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم ईमान वालों के लिए नबी उनकी जानों से भी ज्यादा कीमती है, और नबी के बिस्तर पे आने वालियां नबी की बीवियां ईमान वालों की माएं हैं। जिस मां की कोख से जन्म लेते हो उसके जूतों का भी ख्याल करते हो, कपड़ों का भी ख्याल करते हो, रोटी का भी ख्याल करते हो, पानी का भी ख्याल करते हो, महीने के बाद ड्राफ्ट भी भेजते हो, चेक भी भेजते हो, अम्मा के पास मोबाइल ना हो तो मोबाइल भी देते हो, घर में टीवी ना हो तो अम्मा को टीवी भी लगा देते हो, अम्मा के लिए गाड़ियों का बंदोबस्त भी करते हो। करो, जायज है, हुक्म है औलाद पर मां बाप की खिदमत करे, लेकिन ये वो मां है जिसकी कोख से तुम जन्म लेते हो। नबी की बीवी तुम्हारी वो मां है जिसको अल्लाह कुरान में कहता है ये तुम्हारी मां है। हजरत उम्मे हबीबा, कहो जोर से, हजरत उम्मे हबीबा, ये हजरत अमीर मुआविया की बहन है, मेरे पाक नबी की घरवाली है, और कुरान इन्हीं के बारे में कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى। और कहीं अल्लाह कहते हैं
या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिन निसा। ओ मेरे नबी के घर आने वाली हो तुहाडे कोलो चंगी कोई औरत में दुनिया विच बढ़ाई नहीं। हजरत अबू सुफियान के हाथ में मुहर थी, साथ हजरत अबू सुफियान थे, साथ हजरत अब्बास थे। हजरत अब्बास को जानते हो कौन थे? अच्छा, को है मुसलमान जो बताए मुझे खड़ो के हुजूर के चाचे कितने थे? तुहाडे चाचे कितने हैं? तुहाडियां फुफियां मामे मासियां कितनियां हैं? सारे नु याद हैं। नबी के चाचे कितने थे? सुभान अल्लाह। यार तू है तबलीगी जमात वाला इसलिए मैं चुप कर गया हूं, कोई और। अच्छा, उन दस में से ईमान हुजूर के कितने चाचा लाए? सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास थे हुजूर के चाचा थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ थे, कहो सुभान अल्लाह। तीरों की बारिश हुई, सिवाय इन तीन चार के बाकी सारे मैदान छोड़ के भागे, सिर्फ ये खड़े। ऐसी मुहार काबू करके पकड़ी हुई थी नबी के खच्चर की कि दुश्मन का तीर आया और हजरत अबू सुफियान की आंख में जा लगा। आंख जाय हो गई। रहमत वाले नबी ने, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा अगर चाहते हो तो तुम्हारी आंख ठीक हो जाए, या बदले में जन्नत चाहते हो? कहा अल्लाह के रसूल आंख नहीं चाहिए, अब तो जन्नत चाहिए। एक और गुजरे हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला, मैदान उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए उनकी आंख जाय हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तीरों की बारिश में आके खड़े हो गए, तीर लगा पूरी आंख ऐसे आ गई। हथेली पे संभाले हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके खड़े हो गए, अर्ज किया अल्लाह के रसूल, मेरे रहमत वाले नबी ने कहा आंख चाहिए जन्नत चाहिए? सियाने बड़े थे, कहा आंख भी चाहिए जन्नत भी चाहिए? आप लोगों के लिए खुश हो जाएंगे। कहा कि भाई आंख भी चाहिए? अर्ज की अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी है मुझे बड़ी प्यारी है, अगर ये आंख ना हो, ऐसा ना हो घर जाऊं नफरत से मुंह फेर ले, मोहब्बत का तकाजा है जैसे आया था ऐसे ही जाऊं, आंख सलामत हो मुझे बीवी देख के खुश हो जाए, ऐसे बना करो तुम भी घर जाओ तो बीवियां देख के तुम्हें खुश हो जाया करें, बार तुसी हंसते हो ते घर जाते हो ते चंगेज खान। ओ भाई हम लोगों से कहते हैं घर भी हंसो, नहीं जी रोब रहता है। हालांकि ईमान वालों नाराज ना होना, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा है, मैं तुम सबसे अच्छा हूँ इसलिए कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत वाले हाथ में ये मौजज़ा देख आंख रखी हजरत कतादा की, नबुवत वाली उंगलियों से उठाई, कहा ऐसे करो, दुनिया में आज तक ऐसा ऑपरेशन नहीं सुना होगा ना कोई देखा होगा, डॉक्टर तो हजारों हजारों वोल्ट के बल्ब लगा के आंखों का ऑपरेशन करते हैं, न जाने क्या होता है क्या नहीं होता, ये दुनिया का सबसे बड़ा
डॉक्टर सबसे बड़ा हकीम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत कतादा से कहते हैं ऐसे करो, हजरत कतादा ऐसे करते हैं, मेरे पाक नबी खुद उठाकर उसकी आंखों में रख देते हैं। मेरा अल्लाह ऐसा टांका लगा देता है, जोड़ लगा देता है, आंख जुड़ जाती है जहां थी। लगाने के बाद मेरे पाक नबी अपनी जख्मी हालत में हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे कतादा की आंख को इतना खूबसूरत कर दे मदीने में ऐसी आंख किसी की खूबसूरत ना हो। साहबा कहते हैं अल्लाह की कसम है मेरे पाक नबी के हाथों से ऑपरेशन हुआ, मदीने में जितनी खूबसूरत हजरत कतादा की आंख थी किसी और की नहीं थी। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। अब चेयरमैन साहब ने कहा बात करो। नहीं आप साहब से नहीं, पीछे वालों से कहा। मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए आप। याद होगा मैंने जुमे में ऐलान में कहा था कि हमारी हैसियत है डालडे की, इन हजरात का मकाम है असली घी का। फर्क होता है ना, वो ये हजरात है नहीं तो हमसे काम चलाते हो, जब ये हजरात आ गए तो अब जाहिर है फर्क हम भी महसूस कर रहे हैं और आप हजरात भी महसूस कर रहे हैं। और मुझे याद है एक बार मैंने जामे मस्जिद कौलून में अर्ज़ किया था, उसकी तस्दीक आप अब भी करेंगे। मैंने कहा था कि ये हमारे बड़े हैं, हम सबको बतौर चैलेंज कहते हैं कि ऐसा कोई दिखाओ हमें। कितनी देर बाद? 2 घंटे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही करीम। अम्मा बादु फाऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसअलू अहलल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर। وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام ہم سب کے مخدوم اور ہم سب کے بڑے حضرت अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब कासमी साहब और अजीज़ हम इमाम मोहम्मद इलियास साहब, सदर इकरा फाउंडेशन जनाब शाहिद खान साहब और हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के चेयरमैन मेंबर और हमारे पुराने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर और सेक्रेटरी और हमारे अहबाब सब, अल्लाह ताला ने मौका दिया आज कारी साहब की खूबसूरत गुफ्तगु सुनने का और हमने दरख्वास्त की, कारी साहब ने मानी। मैं कारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें भी पुरतरन्नम गुफ्तगु और तकारीर सुनने का बड़ा शौक़ था, आज काफ़ी अरसे के बाद वो शौक़ पूरा हुआ। शुक्रिया कारी साहब। और माशाल्लाह कारी साहब ने शुरू में कहा था कि क्या मैं अब जवान नहीं हूँ, अब मानिए कि वाकई आप जवान हैं। तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में और सेहत में बरकतें नसीब फरमाए। और माशाल्लाह जो सिलसिला शुरू किया था आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुस्न खूबी आगे जा रहा है, चल रहा है। इलियास साहब ने अकीदे की बात की, मुझे याद है कि जामिया खल मदारिस मुल्तान में जलसा था, हम छोटे थे तो मौलाना सैयद नूर हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले गिला किया कि मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने पूछा मेरा मौजू क्या है बात करने के लिए, तो मुझे
जिस वक्त दावत दी गई नहीं बताया गया, जब मैं आया तो पूछा तो उन्होंने कहा जो आप बोल दें ठीक है। तो वो कहा करते थे कि हज़रत बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि चाहिए तो ये कि बोलने वाले को पहले मौजू दिया जाए। उस हवाले से इलियास साहब हज़रत सैयद नूर हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बराह राज शागिर्द तो नहीं है, लेकिन उनकी किताबों से इस्तिफादा करने वाले मैं बिला मुबालगा कहूँगा हांगकांग में जो इलियास साहब हैं कोई और नहीं पाया जाता। तो इन्होंने मेरे जिम्मे लगाया कि इस मौजू पर मैं बात करूँ। कारी साहब भी कह रहे थे कि उनको भी बताया कि इस मौजू पर बात करें। मौजू वाकई बड़ा अहम है। मौजू ये था जो मुझे इन्होंने बताया कि कुरान करीम को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सहाबा ने किस अंदाज से सीखा और किस अंदाज से अगली उम्मत तक उसको पहुंचाया। ये कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि जिसको सिर्फ अल्फाज के मानी से, लुगत की किताबों से, डिक्शनरियों की मदद से न समझा जा सकता है, न आज तक कोई समझ सका। ये अल्लाह सुबहानहु व ताला का कलाम है जो कल्ब नबूवत पर नाजिल हुआ, जबान नबूवत से जारी हुआ और उम्मत के आखिरी बंदे तक, आखिरी इंसान तक ये चलता रहेगा और जिंदा रहेगा। अल्लाह की ये वो किताब के जिसके ताबीर और तशरी और तफसीर के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी लगाई गई, आप पर फर्ज किया गया। وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ، اے پیغمبر کتاب ہم آپ کو دے رہے ہیں تشریح اور تفسیر، میرا حبیب تو ان کو کر کے بتا دے۔ اب وہ تشریح اور تفسیر جو کرے گا، میرا اس پر ایمان، آپ کا اس پر ایمان، جو اس تشریح اور تفسیر سے ہٹ کے قرآن کی تفسیر کرے گا، اللہ کہتا ہے نہ میں اس کو قبول کروں گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہ میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ قرآن کی تشریح اور تفسیر وہ ہوگی جو اللہ اپنے رسول کو بتائے اور رسول امت کو بتائے، وہی قرآن ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن کے الفاظوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ بنا دیا ہے، قرآن کے پیغام کو، قرآن کے معانی کو، قرآن کے پروگرام کو بھی قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس پر جتنی اور اس حوالے سے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو باقی کتابوں سے ممتاز ہے۔ باقی کتابوں کی حفاظت کا اس طرح اہتمام نہیں ہو سکا جس طرح قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کی حفاظت کا اہتمام ہوا، اور اللہ نے ایسا انتظام کر دیا۔ خود 23 برس تک اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن صحابہ اکرام کو سکھاتے رہے، صحابہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے دل اور عمل کے اندر اتارتے رہے، اور تابعین، پھر تبع تابعین، سلف صالحین، اولیاء اور علماء کے ذریعے آج مجھ تک اور آپ تک یہ قرآن اسی طرح محفوظ چلا آ رہا ہے۔ کیسے سمجھایا؟ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر ہے کہ قرآن سے اس کی تفسیر کی جائے۔ القرآن یفسر بعضہ بعض، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ قرآن کریم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہ سورہ فاتحہ تم پڑھو 17 دفعہ کم از کم، تم ہر روز دن اور رات میں نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، سمجھ نہیں آ رہی وہ کون لوگ ہیں، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو بے راہ روی کا شکار ہو گئے، گمراہ ہو گئے، مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا اور وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے۔ قرآن نے کہا تم قرآن کے پاروں کو کھولو، قرآن کو پڑھو، تم جیسے بکرا کے بعد آل عمران، آل عمران کے بعد نساء پڑھو گے، تمہیں نظر آ جائے گا کہ جن پر اللہ کا انعام ہے وہ اولئک ہم النبیون، النبیون والصدیقین والشہداء والصالحین ہیں۔ قرآن کو کھولو، قرآن سے پوچھو، جہاں تمہیں ایک جگہ سمجھ نہیں آتی قرآن کہتا ہے میں دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دوں گا۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، اور یا قرآن کی تفسیر حضور کے فرمان کے ساتھ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
ना उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह तेरा गजब हुआ, ना उन लोगों का रास्ता जो तेरे राह से भटक गए। मालूम नहीं था कि कौन लोग हैं, हर दौर के अंदर भटके हुए भी होते हैं, हर दौर के अंदर, हर कौम के अंदर, हर जमाने के अंदर अल्लाह के मगजूब लोग भी हैं जिन पर अल्लाह का गजब है। मालूम नहीं हो रहा था कि कौन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गैरिल मगजूब अलैहिम देखना हो तो यहूदियों को देखना, वल ज़ालिम के जुमरे में जो लोग आते हैं उनको देखना हो तो नसारा को देख लेना। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी वजाहत कर दी। और कई दफा ऐसे भी हुआ, मैं और आप हम एक इंसान की बात को नहीं समझ सकते, बड़े बड़े लोग भी बाज़ोकात आदमी की जो सवाल होता है उसके बैकग्राउंड को नहीं समझ सकते। एक वाक़या याद आया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास एक खातून आई अपने खावंद के साथ, और हजरत उमर मजलिस में बैठे हैं और वो कहती है, मेरा खावंद माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं, 6 तहज्जुद भी पढ़ते हैं, रात को तवाफ, रात को इबादत खूब करते हैं, दिन में रोज़े रखते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ी तारीफ की। तो हजरत उमर ने कहा, माशाल्लाह खुशकिस्मत हो, तुम्हें अच्छे खामंद मिल गए। उठ के चली गई और साथ ही एक साहबी बैठे थे, कहने लगे, या अमीर अल मोमिनीन, आपको पता है ये तारीफ नहीं कर गई, अपने खामंद की शिकायत करके गई है। वो कैसे? फरमाया, जो दिन सारी रात अल्लाह की इबादत करेगा, दिन में रोजे रखेगा, वो बीवी के हुकूक कैसे अदा करेगा? ये तो कहा ये बात है। फरमाया, हाँ बुलाओ उसको। वापस बुलाया गया, हाँ भाई क्या माजरा है, तुम क्या क्या तुम्हारी रूटीन है जिंदगी की? फरमाया, अमीर अल मोमिनीन, मैं रात को अल्लाह की इबादत करता हूँ, दिन में सो जाता हूँ रोजा रख के। फरमाया, अच्छा, तो उसकी बीवी से पूछा, ये क्या तेरे हुकूक भी अदा करता है? फरमाया, नहीं, हुकूक तो नहीं अदा करता। अब उससे तस्दीक करवाई, कैसी बात है? फरमाया, ऐसी बात है। फरमाया, नहीं, अल्लाह ने, अब देखिए कुरान से इस्तिंबात कैसे किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि देखो, अल्लाह ने एक मर्द को 4 की इजाजत दी है। अल्लाह ने एक मर्द को कितने की इजाजत दी है? इमिग्रेशन में पास कराने के लिए केस नहीं, अगर जरूरत हो तो 4 की इजाजत दी है। अगर 4 हो एक मर्द के पास तो एक एक बीवी के साथ हुकूक की अदायगी के लिए एक रात रहना पड़ेगा, जिस तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का तरीका था कि आपने बारियां तकसीम की हुई थी, एक रात एक बीवी के पास, दूसरा दूसरी बीवी के पास, तीसरा तीसरी बीवी के पास। तो अगर किसी मुसलमान की 4 बीवियां हैं और उसने कर ली, तो चौथी रात तो इसकी बारी आएगी। फरमाया, अगर तुझे इबादत का बड़ा शौक है तू इबादत कर, लेकिन 4 रातों में से एक रात तेरा बीवी के साथ गुजारना तुझ पर जरूरी है। यह कुरान करीम से इस्तिंबात किया। एक औरत की बात को समझने के लिए एक सहाबी ने इशारा किया, और जब बात अल्लाह सुबहानहु व तआला की हो और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई हो, एक शख्स डिक्शनरी का मुतालिया करके और MA पास करके ये कहे कि मैं कुरान को समझ सकता हूँ, ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, जब तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सबक नहीं हासिल करेगा, सहाबे किराम के तरीके को नहीं देखेगा, उस वक्त तक वो कुरान को नहीं समझ सकता। हज़रत अदी इब्ने हातिम, कुरान करीम रमजान आ रहा है, ये आयत नाजिल हुई, हत्ता यतबयन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद, तुम उस वक्त तक सुबह को खाते पीते रहो जब तक के सफेद धागा काले धागे से मुमताज ना हो जाए, जब तक अलग ना हो जाए। तो अदी इब्ने हातिम ने क्या किया कि अपने तकिए के नीचे 2 काले धागे रख दिए, एक काला धागा और एक सफेद धागा। सुबह को उठे, खाते रहे जब तक कि उनको पता नहीं चल गया कि ये काला धागा है ये सफेद धागा है। सूरज निकलने के करीब था, उस वक्त उनको अंदाजा हुआ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह, ये भी एक अच्छी बात थी। उन्होंने जो कुछ समझा फौरन ही उस पर अमल शुरू करके लोगों को तबलीग नहीं शुरू कर दी, तस्दीक करवाई तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से। अगर आप भी कुछ अपने तौर पर समझें तो उलमा से तस्दीक करवा लिया करें कि वाकई इस आयत का यही मफहूम है या कोई और मफहूम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आए, या रसूल्ला, मैं तो सुबह खाता पीता रहा, काफ़ी रोशनी हो गई, और उसके बाद जब मुझे पता लगा ये सफ़ेद धागा ये काला धागा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये सफ़ेद और काले धागे
इतने छोटे हो गए थे कि तुम्हारे तकिए के नीचे आए, या तुम्हारा तकिया इतना बड़ा हो गया था कि उसके अंदर ये सफेद और काले धागे आए। फरमाया अदी बात ये नहीं है, ये काले धागे से मुराद काली रात है, सफेद धागे से मुराद सुबह की रोशनी है जिसको सुबह सादिक कहते हैं। अगर अल्लाह के रसूल ने बताते, मैं और आप को अगर इजाजत होती तो हर एक अपने अंदाज से इसकी तफसीर और तशरी करता। इसलिए हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास का जिक्र ज़कारी साहब फरमा रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, 13 बरस उम्र थी सिर्फ, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इब्ने अब्बास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहु तावील, या अल्लाह इसको दीन का फहम नसीब फरमा और कुरान की तफसीर का इसको इल्म नसीब फरमा। तो ये दुआ अल्लाह ने ऐसी मंजूर फरमाई, ऐसा शगफ कुरान करीम की आयात के समझने का हुआ, इतना शौक लगता था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं अपनी खाला के पास गया, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना, हजरत मैमूना हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की सगी खाला थी, तो उनके घर में गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही। ये भी क्या दौर था कि मैं और आप और हमारे दौर के नौजवान, उनका शौक उनका ज़ौक कुछ और तरफ है, लेकिन आका इनामदार के अस्हाब का ज़ौक देखिए, जवानी में कितनी लड़कपन की उम्र या बचपन से निकलने वाली ये उम्र है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की। अपनी खाला से कहा, खाला मैं आज रात आपके यहाँ ठहरना चाहता हूँ। पर मैं क्यों ठहरना चाहते हो? इसलिए ठहरना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल की जब आपके यहाँ बारी है तो मैं देखना चाहता हूँ कि हुजूर किस तरह हैं, किस तरह आराम फरमाते हैं, किस तरह सुबह उठते हैं, किस तरह तहज्जुद पढ़ते हैं, कितनी रकतें पढ़ते हैं, कैसे आप वुजू करते हैं, और वुजू करके किस तरह आप अल्लाह से दुआ करते हैं। मैं तो ये देखना चाहता हूँ, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, बस मेरे दिल में ये तड़प है कि जिस रात आपके यहाँ बारी आए बस आप मुझसे इजाजत लेके दे दें, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादा देखना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मिली, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपनी खाला के यहाँ ठहरे, उम्मुल मोमिनीन के यहाँ ठहरे, और उस रात वो जागते रहे। एक लड़का, एक कम उम्र लड़का, उसके दिल के अंदर यह शौक है, मैं देखूं तो हुजूर की नमाज देखूं, मैं देखूं तो हुजूर का वुजू देखूं, मैं देखूं तो हुजूर की दुआ देखूं। काश ये मुझे और आपको भी ये शौक और हमारे बच्चों को भी ये नसीब फरमा दे। फरमाते उस रात सारी रात ये जागते रहे, हुजूर सोए, सोने के बाद जिस तरह उठे और उठ के वुजू फरमाया, वुजू के बाद तहज्जुद अदा फरमाई, तहज्जुद के बाद अल्लाह के हुजूर आहोजारी फरमाई, और फिर सुबह की नमाज अदा फरमाई, और इस सारे माजरे को देखकर फिर क़यामत तक आने वाली उम्मत को बताया कि हुजूर सोते कैसे थे, तहज्जुद कैसे पढ़ते थे। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नौजवान थे। हजरत उमर का दौर आया, हजरत उमर वो थे कि जो सहाबे किराम में भी फर्क है, हम मर्तबा हैं यारान नबी, कुछ फर्क नहीं इन चारों में, लोग कहते हैं हाँ इस हवाले से कि वो अल्लाह के पैगंबर के सहाबी हैं, हम सब उनको मानना, हमारे लिए उनका मानना जरूरी, लेकिन है फर्क मरातिब, जो मकाम अबू बकर का है जो मकाम वो उमर का नहीं, जो उमर का है वो उस्मान का नहीं, जो उस्मान का है वो अली का नहीं, जो अली का है वो बाकी सहाबा का नहीं। ये फ़र्क मरातिब रखे हैं, जिस तरह अंबिया में फ़र्क मरातिब है, सहाबा किराम में भी फ़र्क मरातिब है। ये अबू बकर सिद्दीक को देखें, मैं कभी कभी सोचता हूँ कितना खुशकिस्मत है अबू बकर कि अल्लाह सुबहानहु व तआला जिब्राइल के जरिए अपने पैगम्बर को यह पैगाम भेजता है कि तू मेरे अबू बकर को मेरी तरफ से पूछ ले, क्या वो मुझसे राजी भी है। पैगाम अल्लाह का ले आने वाला जिब्राइल जबान रसूल खुदा की, और है अबू बकर के मुतालिक, और कभी हजरत खतीजा को सलाम आ रहा है, जिब्राइल अमीन सलाम लेके आ रहे हैं कि अल्लाह सुबहानहु व ताला अपने रसूल के जरिए उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा को सलाम भेज रहा है कि अल्लाह आपको सलाम दे रहे हैं। तो ये अजीमुल मर्तबत हस्तियाँ हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, 2 बरस का दौर है, हुजूर का विसाल हुआ। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुलाजमत, जो आपके साथ ताल्लुक, जो आपके साथ रब्त था, वो हर एक उम्मती को उसका पता है, उसका इल्म है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा हजरत उमर से कहते हैं, उमर हुजूर की याद बहुत आ रही है, हुजूर की याद बहुत आ रही है, हुजूर का विसाल हो गया। पहले जब हम
घर से निकलते तो अल्लाह के रसूल की जियारत करते, अब वो जियारत का मौका नहीं मिल रहा, क्या करें, चलें उम्मे ऐमन के पास चलते हैं, जिन हाथों ने हुजूर को उठाया, जिन हाथों ने हुजूर को सीने से लगाया, जिन हाथों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाया, जिन हाथों ने मदीना से मक्का की तरफ हुजूर को जो हाथ लेके आए, ये उम्मे ऐमन, ये लोंडी है हजरत अब्दुल्ला की, विरासत में मिली अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको आज़ाद कर दिया, और आज़ाद किया, उनकी शादी हुई हजरत उबैद खजरजी के साथ, हजरत उबैद खजरजी का इंतकाल हो गया, और उसके बाद उसी से उन्हीं से एक ऐमन बेटा है, और उस ऐमन की भी शहादत हुई गज़वे हुनैन के मौके पर, चुनाचे जब ये बेवा हो गई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ भाई कोई है ऐसा आदमी जो जन्नती औरत से शादी कर ले, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने कहा, या रसूल्ला मैं शादी करना चाहता हूँ, अगरचे लोंडी हैं, हबशियाँ हैं, अफ्रीका की हैं, लेकिन अगर जन्नत की हैं मैं शादी करना चाहता हूँ। हुजूर ने शादी फरमाई, निकाह अदा करवाया, उसी से अल्लाह ने उसामा बिन ज़ैद दिया, और वही उसामा बिन ज़ैद कि जिसको अल्लाह के रसूल ने कम उम्र के अंदर कायदे जैश बनाकर रवाना फरमाया अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात के अंदर, और हुजूर की वफात के बाद जब वफात की खबर सुनी वापस आए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की वफात के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, जिस लश्कर के क़यादत उसामा को अल्लाह के रसूल ने दी, मैं अबू बकर भी उसी को कायद मानता हूँ। उसामा तुम सवारी पे सवार हो जाओ, मैं अबू बकर पैदल चलते हुए तुम्हें मदीना से रुखसत करूंगा। और यही उम्मे ऐमन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका दूध पिया तो कहते हैं चलें आज उनकी जियारत करते हैं। हुजूर फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन उम्मी, कि उम्मे ऐमन मेरी माँ है, उम्मे ऐमन मेरी माँ है। और हुजूर की, जिस तरह कारी साहब कह रहे थे, हुजूर की बीवियों से मोहब्बत भी ईमान की निशानी है, हुजूर की माँ से मोहब्बत भी ईमान की निशानी है, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत भी ईमान की निशानी है। तो चले आए आज उम्मे ऐमन के पास चलते हैं। उम्मे ऐमन के पास गए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ये दोनों सहाबी, ये दोनों वजीर, अबू बकर और उमर, जिन दोनों को ज़मीन पर अल्लाह के रसूल ने अपने वजीर कहा, जिब्राइल और मीकाईल को आसमान का वजीर फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों जानिसार, ये दोनों सुसर, ये अबू बकर उमर आते हैं उम्मे ऐमन के पास, सलाम करते हैं। उम्मे ऐमन उनको देखती हैं, ये तो वही चेहरे हैं जो अल्लाह के रसूल के साथ बैठा करते थे, अल्लाह के रसूल की खिदमत में रहा करते थे, अल्लाह के रसूल से सीखा करते थे। उनको देख कर रोने लगी, फरमाया क्यों रो रही हो अम्मा, अल्लाह के रसूल तो अल्लाह के पास चले गए हैं, और आपके बाद वाली जिंदगी आपकी पहली जिंदगी से बेहतर है। अल्लाह ने कहा मा इंदल्लाहि खैरुन लिरसूली। हजरत उम्मे ऐमन ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही कि अल्लाह के रसूल हमसे जुदा हो गए हैं, मैं इसलिए रो रही हूं कि अब आसमान से वही का सिलसिला बंद हो गया है। ये वो वही का सिलसिला जो आया करता था, आज के बाद वो सिलसिला बंद हो गया। आसमान और जमीन का जो रब्त था आज वो टूट गया है। आसमान से बराहे रास जो वही का सिलसिला था आज वो खत्म हो गया है। आज हम किससे पूछेंगे? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा के जरिए कुरान के उलूम और मारिफ को मुंतकिल किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई या अल्लाह इनको तफसीर का इल्म दे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नौजवान थे, कम उम्र थे। हजरत उमर का दौर आया, हजरत उमर उनको बदर के असहाब के अंदर बुला लेते, जिन्होंने बदर की जंग में शिरकत की, ज़ाहिर बदर की जंग में जिन्होंने शिरकत की, ये सन 2 हिजरी का वाक़या है, और सन 2 हिजरी में जो लोग जवान थे लड़ने के काबिल थे वही शरीक हुए होंगे। अब 2 हिजरी से 8 हिजरी 6 बरस ये हो गए, 2.25 बरस हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, उसके बाद 10 बरस हजरत उमर का दौर है। उस वक्त तक ये बुजुर्ग हो चुके हैं ये सहाबा। चुनाचे एक लड़के को अपने साथ ले जाते और उनके साथ बिठा देते उस मजलिस के अंदर। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि उन लोगों ने कहा ये तो नौजवान लड़का है, हमारे बच्चों की तरह है, आप इनको हमारी मजलिस में ले आते हो। हजरत उमर ने फरमाया है तो ये बच्चा, लेकिन अल्लाह ने जो उलूम दिए हैं वो आपसे भी ज़्यादा दिए हैं। अच्छा कैसे? फरमाया इजाजा अनसरुल्लाहि वल फत ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। मुझे इसका मानी और मफहूम तो बताओ। ये अरबी दान थे, अरबी इनकी कहीं बेहतर थी,
और इन्हीं की जबान में अल्लाह ने कुरान को उतारा। उन्होंने कहा कि जब इजाजा अनसुल्ला, जब अल्लाह की मदद आए और फतह आए, वराई तन्नास, तू देखेगा लोग दीन के अंदर फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, यदखुलू नफी दीन इल्लाह अफवाजा, फिर अल्लाह की तस्बीह कर और उसका इस्तगफार कर, कि ये माना और मफहूम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहा, हाँ भाई अब्दुल्ला, हो तो तुम छोटे, जरा तुम बताओ कि तुमने इस आयत से क्या समझा। फरमाया, इज़ा जा अनसरुल्लाहि वल फतह, फतह का जब ये लफ्ज आया है तो इससे मुराद फतह मक्का है। वराई तन्ना से यदखुलू नफी दीन इल्लाह अफवाजा, तू देखेगा लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ये आयत बता रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब वक्त मुकम्मल हो चुका है, अब आखिरी वक्त आने वाला है। ये मौत रसूल की खबर है। यही वजह थी कि अबू बकर सिद्दीक ने जब ये आयत सुनी तो आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैं और आप सिर्फ अल्फाज से, डिक्शनरियों से, लुगतों से क्या मसला, क्या कुरान की आयत समझ सकते हैं? हजरत मुजाहिद हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के खसूसी शागिर्द हैं, और हजरत मुजाहिद कहते हैं कि मैं पूरे कुरान को तीन मरतबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के सामने पढ़ा, और कुरान करीम की कोई आयत ऐसी नहीं थी कि उस आयत के पढ़ने के बाद मैंने उनसे सवाल न किया हो और उन्होंने जवाब न दिया हो। इस अंदाज से कुरान को समझा, और ये एक उम्मत से दूसरी उम्मत की तरफ मुंतकिल हुआ। और फिर अल्फाज के, अगर सिर्फ अल्फाज पे जाएं, एक लफ्ज कुरान करीम के अंदर आता है, मैं वो आपको कुरान करीम के एक एजाज की बात करके बात खत्म करता हूं। कुरान करीम के अंदर आता है, फतराहुम यंजुरून इलैक वहुम ला युबसिरून, कि तू देखेगा उनको, तरा रा नजरा बसरा, इन तीनों का माना देखना होता है। अब मैं और आप अगर सिर्फ लुगत को देखकर इसका तर्जमा करें तो माना बनेगा कि तू उनको देखता है, वो तुझको देखते हैं, वो नहीं देखते, ये माना बनता है तर्जमा इसका। लेकिन कैसे समझें कि इसका हकीकी मफहूम क्या है, कि तू फतराहुम, तू उनको देखता है, यंजुरून इलैका, वो तेरी तरफ देखते हैं, वहुम ला युबसिरून, वो नहीं देखते। बसरा का माना भी देखना होता है, लेकिन जानने वाले जानते हैं, तरा उस देखने को कहते हैं, रा उस देखने को कहते हैं कि जिसको देख कर चीजों को समझा जाए, और नजर उस देखने को कहते हैं जो सरसरी तौर पर किसी के ऊपर नजर पड़ जाए, समझा कुछ ना जाए, बहुत सारी चीजें आंखों के सामने आती हैं, गुजर जाती हैं, कभी इंसान तवज्जो नहीं करता। और बसर उस देखने को कहते हैं कि जिसको देखकर समझा भी जाए और फिर उस पर अमल भी किया जाए। तो माना यह बनेगा कि तू उनको देखता है, वो तुझको तकते हैं, तू उनको देखता है, वो तुझको तकते हैं। तकना तो ऐसा होता है, कोई दरख्त सामने, एमटीआर पे बैठे हुए कोई दरख्त सामने नजर आ गया, कोई आदमी सामने नजर आ गया, लेकिन जानना उसको मकसूद नहीं होता। तो ये है नजर, फतराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून, और वो तुझको समझते नहीं हैं, वो तुझको मानते नहीं हैं, वो तेरी मानते नहीं हैं। जब तक ये माना और मफहूम असलाफ से नहीं लिया हुआ होगा, आप तो यही सुन, आप हो सकता है यही समझें कि वो तू उनको देखता है, वो तुझको देखते हैं और वो नहीं देखते, ये माना नहीं है। बल्कि माना वो है जो असलाफ ने बताया, और तबाबीन ने बताया, औलिया ने बताया, मुफस्सिरीन ने बताया, और उसूल और कवायद वजा करके फिर उम्मत को बताया कि कुरान यूं होता है, यूं समझा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कुरान को सीखना हो, बुजुर्गों से सीखें, उलमा से सीखें, अपनी राय जनी उसमें ना करें, इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम में जो रुमूज हैं वो मोहम्मद जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को बताए वो मेरे और आपके लिए हुज्जत है। आज कहा जाता है जी कुरान और हदीस काफ़ी है, बाकी भाई कुरान और हदीस के हदीस होने की खबर अगर सहाबा न देते तो मुझे आपको कैसे पता चलता। ये रब्त है, ये तसलसल है, और इस तसलसल को जिसने तोड़ा है वो बहक गया है, वो जालिम के जुमरे में आ गया है। अगर तसलसल के साथ आप चलेंगे आपकी कामयाबी है। अल्लाह मुझे भी और आपको ये कामयाबियाँ नसीब फरमाए, और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, और असलाफ के साथ सच्ची वाबस्तगी नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चूँकि देर भी हो गई है, बस मैं 2 मिनट आपसे ये लूँगा, ताकि जिन बच्चों ने कलाम पाक ख़त्म किया है, मैं चाहता हूँ उनको जो उनका हक बनता है ज़ाहरी तौर पर तोहफ़ा, वो दे दिया जाए इंशाल्लाह। तो पहले बच्चियाँ आगे आ जाएं। आयशा, मोमिना, जवेरिया, अलीशा, आप चारों आगे आ जाओ।
नहीं ये सब एक कोई भी किसी को चले परेशानियों को हमारे गुनाहों को न देख,
یا اللہ ہم سب عمر کے وقت کرما نصیب کے عذاب سے کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو شفاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بہت موثر حجاب الہ العالمین کہ آج کا پروگرام آج کی مجلس جتنے ساتھی تعاون کرنے والے ساتھ دینے والے الہ العالمین تمام کے دل کی مراد یا اللہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں اللہ تمام کی دل کی مرادوں کو پورا کرنا حاجات کو پورا کرنا جن کے گھروں میں جوان بچی ہیں یا اللہ کی عزت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله